Good morning, everyone. Today we are going to read about importance of partnership deed. Ki partnership important kyun hai hamare liye partnership deed? Though the law does not make it mandatory compulsory for every firm to have a partnership deed, it is desirable to have it due to the following reason. देखो हमारी लॉ ने ये कंपलसरी नहीं किया है कि आप पार्टनरशिप डीड को रिटन में बनाएं या बनाएं. ओके, इट इज द ऑप्शनल थिंग. ओके, बट अगर वो होती है आपके पास तो आपको क्या फॉलोइंग इम्पोर्टेंस आपकी, मतलब क्या वो आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, वो चीज़ क्या हेल्प करती है. इट रेगुलेट्स द राइट एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर. मतलब वो पहले से ही रेगुलेट कर देती है कि हर पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटीज हैं और हर पार्टनर को किस तरीके से काम करना है. ठीक, नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट द पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड. मींस ये किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो अगर आपके पार्टनर्स के बीच में, उसको डिसॉल्व करती है क्योंकि आपके पार्टनर्स को पहले से पता है कि हमारी क्या टर्म एंड कंडीशन है, हमें क्या ड्यूटीज फॉलो करनी है और किस तरीके के राइट्स हैं हमारे पास पार्टनरशिप में. नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर मे बी सेटल ईजली इन द पार्टनरशिप डीड मे बी रीडली रेफर टू. मीन्स अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई पार्टनर आगे चल के आर्ग्यू करता है तो आप उसको पार्टनरशिप डीड के थ्रू ईजली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, अब देखो कुछ रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं. अगर आप रिटन में पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं लिखते हैं, तो आपके लिए कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं. वो रूल्स क्या हैं? फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसे बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस शेयर आर शेयर्ड इक्वली इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. मीन्स कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो आपके बीच में जो पार्टनर प्रॉफिट और लॉस है, जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है, वो इक्वल रेशियो में बटेगा. ये आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं बटेगा. जैसे अगर आप एक जना 5 लाख लाया, एक जना 10 लाख लाया, एक जना 15 लाख लाया, तो उस रेशियो में ना बट के ये इक्वल रेशियो में बटेगा, यानी कि 1:1:1 में. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको किसी भी तरह की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी. अकॉर्डिंग टू लॉ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड. इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट. मीन्स इसने क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगी अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, और अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी आपके एग्रीड रेट इंटरेस्ट रेट से, प्लस तब मिलेगी जब आपकी फर्म को प्रॉफिट हो रहा होगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग. अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ले रहे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, सैलरी टू अ पार्टनर. अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन में अगर आपकी परसेंटेज मेंशन नहीं है तो आप मिनिमम 6% से आप है ना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन ऑफ द फर्म. सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन देयर इज अ लॉस इन द फर्म. मीन्स ये अगर आप, अगर पार्टनर ने आपके फर्म को लोन दिया है तो आप उसे 6% से पे ऑफ करेंगे, और ये तब भी पे होगा अगर आपकी फर्म को लॉस हो रहा होगा. नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म. मीन्स कि जब तक आप सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करते, म्यूचुअल कंसर्न नहीं बनाते, तब तक कोई नया पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा. ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस. हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस में अपना सहयोग दे, मतलब वो उसमें काम करे और वो कर सकता है. ठीक है. ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ द फर्म, कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम. मीन्स वो हर फर्म की हर कॉपी को चेक कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है और उनकी कॉपी अपने पास रख सकता है. इट शुड बी रिमेम्बर्ड दैट पार्टनर में चेंज एनी ऑफ द एवर प्रोविजन बाय कमिंग टू अ कॉमन एग्रीमेंट. ये सारे पॉइंट्स में चेंजेस आ सकते हैं लेकिन अगर आप रिटन में कोई एग्रीमेंट बनाते हो तो. ठीक है. नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू टीच अबाउट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. You have to learn about this. You have to go through with this the format.
In next class, we are going to tell you about the profit and loss appropriation account, and you have to learn this format. In this format, you have to tell about how we profit. देखो अभी तक हमने जो बनाया था वो P&L account बनाया था. ये P&L appropriation account है जहाँ पे आप अपने partners में profit को distribute करते हो. ठीक, तो इसकी कुछ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है. क्रेडिट साइड में आपका वो प्रॉफिट आता है जो आपके P&L अकाउंट से निकल के आता है, और टू साइड में जाता है आपकी पार्टनर्स की सैलरी, कमीशंस, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, और कोई रिजर्व अगर आपने बनाया है. इंटरेस्ट ऑन नॉइन जाती है आपकी क्रेडिट साइड, एंड देन आपका जो पार्टनर्स के रेशियो है, या तो रेशियो आपको मेंशन किया गया हुआ, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और रेशियो नहीं दिया गया है तो इक्वल रेशियो में ये पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.